इन सर्दियों में गरम गरम पास्ता खाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए आप लोगों के साथ आज मशरूम पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो हमने सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने मैगी का मशरूम पास्ता करके आता है उसे हमने लिया है। ये बहुत ही इजी टू कुक होता है, इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं इसे आप। आपको खाली पास्ता को उबालना है और उसमें बाद में जो आपको इसके अंदर आपको टेस्ट मेकर दिया होता है उसे ऐड कर देना है। ये 64 ग्राम का एक पैकेट होता है और इसकी प्राइस कुछ 28 रुपीज़ लिखी हुई है, लेकिन अगर आप कोई मोल से लेते हैं तो आपको इससे 10% या 20% की छूट मिल जाएगी। तो हमने दो मशरूम पास्ता के पैकेट ले लिए, अब इसे हम रेडी करते हैं। मशरूम पास्ता पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी और पास्ता की डिमांड हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके साथ हम उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए, आप जब पास्ता निकालेंगे तो इसके साथ आपको टेस्ट मेकर पहले से दिया जाएगा। बहुत इजी टू कुक है, आप इसे 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं अपने घर पे। तो ये हमने दो पैकेट इसे लिया है, जिस प्रकार की क्वांटिटी आप चाहते हो, जो क्वांटिटी भी अच्छी खासी आती है। अगर एक पैकेट एक लोग के लिए बहुत इनफ है, और आपको ये 22 रुपया 20 रुपये के आसपास पड़ जाएगा अगर इस पर डिस्काउंट होगा तो। इसे अब हम बॉईल कर लेते हैं वाटर में। आपको पानी में इसे बॉईल कैसे करना है मैं भी आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। बहुत ईजी टू कुक होता है। पहले आपको वाटर लेना है और वाटर को थोड़ा गर्म हो जाने देना है। जब वाटर गर्म हो जाएगा उसके बाद हम पास्ता ऐड करेंगे। उसके पहले आपको पास्ता ऐड नहीं करना है, इसलिए पहले हम जो हमारा जो पानी है उसे गर्म हो जाने दें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। टेस्ट मेकर के अंदर भी नमक होगा थोड़ा बहुत, तो इसके लिए आप इसमें इतना ही नमक डालें जितना आपको टेस्ट के अनुसार आपको नमक ऐड करना है। साथ में हमने ऑयल ऐड कर दिया है जिससे जो हमारा पास्ता है आपस में चिपकेगा नहीं। उसके बाद आपको पास्ता ऐड कर देना है और इसे कम से कम 80 to 85% पकने तक का वेट करना है। उसके बाद आपको टेस्ट मेकर इसमें ऐड कर देना है, बस आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। तो इसमें अब एक वाल आ जाने देते हैं, उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि पकाए कि नहीं पकाए। जब थोड़ा सा बाकी हो पकना उसके बाद ही आपको टेस्ट मेकर इसमें ऐड करना है, नहीं तो ओवर कुक होने का चांस रहता है। इसे आपको ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। बहुत ही इजी रेसिपी होती है। आप घर पे कभी कोई मेहमान कोई बच्चा आपका आपसे डिमांड करता है तो आप इसे तुरंत ही से तैयार कर सकते हैं विद इन 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में। इसे अच्छे से बॉईल हो गया है, हमने चेक कर लिया है। अब इसमें बारी आती है कि हम लोग इसमें टेस्ट मेकर जो है उसको अब ऐड करने की बारी आ गई है। आपके एक पैकेट में एक टेस्ट मेकर आएगा, जो उसके अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना है। इसमें आपको वेजेस भी आएंगे, मशरूम के चंक्स आएंगे और गाजर के टुकड़े होंगे, अलग अलग वेजेस के का फ्लेवर भी आपको इसमें मिलेगा। बहुत ही टेस्टी होता है। हमने दो पैकेट लिया था इसलिए हम दो टेस्ट मेकर ऐड कर रहे हैं। 90% हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, बस इसको ऐसे आपको थोड़ा सा मिला देना है अच्छे से, ताकि जो हमारा टेस्ट मेकर है वो अच्छे से मिल जाए। और 1 से 2 मिनट तक इसको पकने देना है, फिर आपको जो फ्लेम है आपकी ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है तो टेस्ट मेकर का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको इतना अच्छा टेस्ट आएगा नहीं। ये बस हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। एक उबाल आ गया है, अब इसे जो हमारा गैस है उसे बंद कर देंगे। अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए, इसे प्लेट पर हम निकाल ले रहे हैं। बहुत इजी स्टेप है, दो तीन स्टेप ही आपको जो ध्यान रखने वाली बात है। आपको फ्लेम मीडियम रखना है और पास्ता को 90 85 90 85 90% पक जाने के बाद टेस्ट मेकर ऐड कर देना है।
और उसके बाद 1 से 2 मिनट तक आपको इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। उसके बाद ग्लेज़ फ्लेम आपको ऑफ़ कर देनी है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका पास्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए पास्ता रेडी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।